यानी दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे हूँ। तो देखिए, अभी जो SSCGT के मेडिकल से संबंधित एक नोटिस आया था कि 2 जून से अपना आपका जो फिजिकल होना है, मेडिकल होना है, तो देखिए उसकी पुष्टि तो अभी कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता, ना कोई अभी, ना तो क्योंकि किसी ऑफिसर साइट पर नहीं आया। जब तक ऑफिसर साइट पर नहीं आएगा तब तक मैं भी नहीं कहूँगा कि हाँ ये सही है। हाँ, हो सकता है आगे सही है, लेकिन मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता है, इतने जल्दी नहीं हो सकता, ये बताऊँ बस। कि कोई भी कहे कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप ये देखिए कि अभी क्या क्या प्रोसेस होनी बाकी है, ये ध्यान रखिए। जब तक ऑफिसर साइट पर नहीं आएगा, SSC की ऑफिसर साइट पर नहीं आएगा या CRPF की ऑफिसर साइट पर नहीं आ जाता ये नोटिस, तब तक आप ये जो मत मानिए ये सही है। हाँ, ये ले सकते हैं अपने अंदाज, मतलब कि रख सकते हैं कि हो सकता है, बस इतना, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। आप ये रखिए कि हाँ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 सेकंड भी से हो जाएगा, बहुत ही कम चांस है होने की। जब तक ऑफिसर साइट पर नहीं आ जाए तब तक नहीं मानना है आपको। मेरा तो यही है कि जब तक ऑफिसर साइट पर ना आए तो कभी भी, और कह रहे थे कि NAI है, जो NIA तो वो उसमें मतलब कि जो कैलेंडर है उसमें लिखा है, तो बहुत सारे जो नोटिस हैं पहले के फिजिकल के हैं एग्जाम के, उसमें कभी नहीं लिखा है कि NIA लिखा है, उसमें NCB लिखा है, SSF लिखा है, इसका वर्णन है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो वो केवल कैलेंडर में लिखा है, क्योंकि कैलेंडर में आप पहले हो कि वैकेंसी आनी हो तब के लिए लिखा होता है, ये जरूर। वैकेंसी नहीं थी तो चेंज कर दिया नाम उन्होंने, तो अभी वैकेंसी है नहीं NIA की, अभी NCB की, SSF की और CS और अर्धसैनिक वाले की है, तो ये जरूर ध्यान रखिए। तो अभी वो जब तक ऑफिसर साइट पर नहीं आए तब तक मैं नहीं कह सकता कि ये सही है गलत है, मतलब कि ये नोटिस फेक है या रियल है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो अभी कुछ समय इंतजार कीजिए, 5-7 तारीख का इंतजार कीजिए, अगर वो ऑफिसर साइट पर आ जाएगा तो मतलब कि सही है, नहीं आएगा तो फेक था, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।